माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का पता है कितने बजे, 9:30 बज रहे और आपको पूरा घर अंधेरा दिख रहा हो और मम्मी भी नहीं दिख रही। मम्मी भी यहीं पे पोछा मार रही है और आपको मैं आज का मौसम दिखाने वाली हूँ कि आज कैसा किया हुआ मौसम। मैं तो सोई हुई थी, 15 मिनट पहले इतना अच्छा मौसम हो रहा था, तुरंत में देखो मौसम इतना भयंकर खराब किया हुआ ना, पूरा अंधेरा हो गया, लगता है कि रात हो गया करके। और हम सोए हुए थे, मम्मी अचानक उठाती, उठो उठो जल्दी जाओ छत पे से कपड़ा लेके, नींद भी अभी तक नहीं टूटा। चलो दिखाते हैं आपको मैं ऊपर से वीडियो कि कैसा मौसम किया हुआ है। तो देखिए गाइस इतना आंधी तूफान आ रहा है, इतना देखिए वहाँ का वो भी गिर गया, क्या बोलता है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए दुकान का बोर्ड भी गिर चुका है इतना आंधी तूफान के चलते। और अब हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई है, अब थोड़ा सा मौसम में भी थोड़ा सुधार आया हुआ है। ये देखिए अब मेरा भाई बाहर में है। भाई क्या कर रहा है? सारे लोग देखिए कैसे अपना अपना सामान बचा रहे हैं वहाँ पे। देख रहे मौसम आसमान कितना काला कर चुका कर दिया है। तो देखिए गाइस कैसे अचानक आज का मौसम बदल चुका है, मतलब इतना अंधेरा पहली बार, मतलब ऐसा, मतलब पहली बार नहीं हुआ है पर आज अचानक इतने दिनों के बाद मतलब हुआ। बारिश भी अब होने लगी है, मैं तो ऊपर रहने से ऊपर अब आपको और नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा आँख में मेरा धूला मतलब धूल मिट्टी चला गया और ऊपर मेरे पीना का घर है ना, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना आवाज़ कर रहा है। बाई चांस पूरे भी जैकेट ना डर, इसलिए नीचे डर से जा रहे हैं मैं। अब ठंडा भी लगने लग गया, मौसम चेंज हो गया इसलिए ठंडा भी लगने लग गया। नीचे जाएंगे तो अंधेरा ही हो जाएगा। ब्रो मैं आई हूँ ब्रो। ओ ब्रो नहा रहा है, तू नहा भी नहीं सकता था, ठंडा लग रहा है ना, है ना मम्मी। मौसम बात इतना ऊपर अति भवंडर जैसा आ रहा है ऊपर, डर भी। तो काफ़ी देर के बाद लाइन अभी आ गई है लेकिन मौसम तो वैसा के वैसा ही है, लगता है आज दिन भर ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, तो मैं आके आपसे मिलती हूँ और आपको बताऊँगी कि आज दिन भर कैसा दिन रहने वाला और क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो वैसे भी आज सैटरडे है, घर में सब कोई रहेंगे। तो ना कि मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद नाश्ता भी कर ली, तो और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी देखिए मेरा दुकान फिर से रीओपनिंग हो रहा है, जिसके लिए अभी फिर से जो जैसा सेटअप था फिर से वैसा सेटअप बन रहा है। और मेरा भाई देखिए क्या कर रहा है, सेटअप मिला रहा है। और गाइज मैं आपको गाड़ी मतलब आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए आगे का व्यू, यहाँ पे भी ये जो ये सटा हुआ है ना, इसको उखाड़ देंगे तो कैसा व्यू लगता है। और अभी तो आपको पता ही है कि बारिश बहुत हो रही है, आंधी तूफान तो बंद हो गया पर बारिश, क्योंकि मेरा मोती देखिए कहाँ बैठी हुई है, ये देखिए तभी से बारिश में जानबूझ के भीज रही थी, बोले अंदर आने के लिए तो आए नहीं। तो गाइस काफ़ी देर के बाद अभी मतलब हम लोग का टीवी में नेट डल चुका है, तो देखिए आए थे अभी नेट डालने के लिए कंपनी से ना मम्मी। और मेरा मम्मी, आज मेरा मम्मी का लुक देख लो जरा, आज मम्मी प्रोफेसर बनी हुई है। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? नमस्कार मेरे तरफ से, आप लोग भी खुश होंगे, चलिए खुश रहिए, हम लोग भी खुश हैं, मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है। हाँ मौसम तो आपको पता नहीं भूल गया कि अभी बारिश, अभी
5 बजने लगा, बारिश रुक गया। और ये देखिए मेरा जो नया टीवी था उसमें अब नेट भी डल चुका है, और नेट डालने के बाद भाई इसमें थोड़ा सा देख रहा है कि कैसे चलेगा। और अब मैं आपको बाहर से लुक दिखाती हूँ मेरे दुकान का। ये देखिए मेरे दुकान का लुक, तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरे दुकान का लुक कैसा है। पर थोड़ा छोटा है पर मोटा है। नहीं, सेटअप बहुत अच्छा से किया हुआ है। आज सुबह से करण लगा हुआ है इसको सेटअप। हाँ, मेरा भाई सुबह से आज लगा हुआ है सेटअप करने के लिए। और वहाँ पे देखिए एक पोस्टर भी, मतलब पहले लगा हुआ था, मैं पेंटिंग मतलब घर पेंट करने टाइम में वो पोस्टर निकाल के रख दिए थे, तो भाई अभी फिर लगा दिया है। और बाकी ये सब देख रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर से सजाया हुआ है, बुक कॉपी अपना सारा सामान सब। आज इसका काम बहुत ही ज़्यादा था, मतलब साफ सफाई करने का इसका काम था। और अभी ये जो है ना, इसे एक यूनिक क्रिएशन बना रहा है, मतलब ये तो बर्थडे बर्थडे में लगाता है ना, आप लोगों को तो पता ही है, उसी से कुछ बना रहा है। बोल रहे ब्रो, क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। अरे इसका इसका ये ईयरबड भी मिल गया, वो बोल ना मेरा ईयरबड मिल गया। पता है आपको ईयरबड इसका हरा दिया था, और आपको इसका ईयरबड ये बोला हरा गया, पर इसका ईयरबड पता है कौन लेके गया था? चूहा ले गया था गाना सुनने के लिए। चूहा ले गया था, चूहा को गाना सुनने का मन करा था, जिससे चूहा ले गया और इसका ईयरबड खा गया आधा। तो जो तार अथी नहीं था, क्या बोलते उसमें, ओहो कैसे मुँह में नहीं आ रहा ब्रो, क्या बोलते हैं उसको जो ईयरबड का उसमें लगा रहता है, बोल ना। रुको हम आपको दिखाते हैं, ये जो नहीं आता, ये जो लगा हुआ है यही खा गया है इसका। वो रबर, हाँ सॉरी रबर। हाँ, और अभी मौसम देखिए कितना अच्छा किया हुआ है मौसम। तो गाइज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।